हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देखा दोस्तों कि मैं पहले आप लोगों को कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने यहाँ जो बारिश हुई थी उसकी आवाज़ सुना रही थी। और देखिए, हमारे यहाँ कल दोपहर में बहुत तेज़ बारिश हुई और तेज़ आंधी भी आई थी, और उसके बाद हमारे गार्डन में क्या कुछ हुआ वही मैं आप लोगों से दिखाने जा रही हूँ। और देखिए कितनी तेज़ बारिश थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ। तो हमारा गार्डन जब तेज़ हवाएं चलती है उसके बाद क्या हाल होता है वो मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमारा गुलाब का पौधा है और अच्छे से मैं इसे दीवार के सहारे ही रखी हूँ, लेकिन पता नहीं इतनी तेज़ हवा थी कि उन्होंने इसे भी उलट दिया। और इस साइड देखिए तो ये कोना में थे, तो हवाएँ उस ओर से चल रही थी, तो इन्हें नुकसान नहीं हुआ है। और इधर और भी मैं दिखाऊंगी। और देखिए, जब जैसे बारिश आती है तो मिट्टियों को इस तरह ढक देती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा मोगरा का पौधा है, तो ये भी देखिए उलट गया और अभी देखिए ये गुलाब में उलझा हुआ है, बाद में मैं इसे निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारा स्नैक प्लांट है, वो भी उलट गया है। और ये देखिए आम का पेड़ है, ये भी उल्टा हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमारा एक और पौधा है, ये भी देखिए उल्टा हुआ था। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये भी देखिए हमारा कोलियस का पौधा है, ये भी हवाओं ने उलट कर रख दिया। और ये देखिए इस पे गिरा और ये हमारा थोड़ा सा टूट भी गया है ये पौधा। तो इस तरह से जब बारिश और तेज़ हवाएं चलती है ना, तो हमारा गार्डन का कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। और देखिए, इससे पहले ये हमारा ये है पपाया का पेड़ है, तो वो भी हमारा गिरा हुआ था, तो मैं जैसे हवाएं चलने लगी तो मैं उसे नीचे कर दी। और यहाँ पर देखिए नीम और क्या करी पत्ता का पौधा था, तो उसे भी मैं साइड पे कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये भी गिर जाएंगे। तो इस तरह से जब भी पानी आती है और कुछ तेज़ हवाएं चलती है, पानी से तो नहीं लेकिन तेज़ हवाएं जब चलती है, तो इस तरह से हमारा गार्डन कुछ हद तक अस्त व्यस्त हो जाता है। और उससे थोड़ा सा नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई कोई भारी पेड़ जब हमारे कोई पौधे पर पड़ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे एक दिन पहले तेज़ हवाएं चली थी और थोड़ी बारिश हुई थी, तो ये देखिए हमारा पपाया का पेड़ है इस तरह से गमले में गिर गया। लेकिन मुझे खुशी है कि गमला टूटा नहीं। और देखिए ये पेड़ इस तरह से गिरा हुआ, और यहीं पर मनी प्लांट भी था और भी एक दो पौधे थे, लेकिन जब मैं उठाई तो इस पर उतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे थोड़े ख़राब हो गए थे। और ये देखिए ये कोलियस भी, ये एक दिन पहले जो बारिश हुई तो इस तरह से मेरा तेज़ हवाओं से इस तरह से हो गया। तो ये सब हमारे गार्डन में होते रहता है, तो इन सब से हमको घबराना नहीं चाहिए। और जब हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो परेशानियां आती हैं, तो इसीलिए इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और देखिए, जब मैं पौधा उठाई, पेड़ उठाई, तो देखिए इस तरह से हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा ख़राब हो चुका है। और देखिए जड़ें भी इसकी निकल गई हैं। तो खैर, मेरे पास स्ट्रॉबेरी का बहुत सारा पौधा है, तो एक ख़राब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही हवा तेज़ चलती है तो मैं पौधे जो ऊंचे पौधे उसे मैं नीचे रख देती हूँ। और अब इस तरह से मुझे फिर से अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो